वेल गाइस, आज हम आए राघव भैया के पास। भैया शॉप का नाम बताओ। श्री बालाजी कार डेकोर। एड्रेस बता दो। 8C/9 अब्दुल्ला जी रोड करोल बाग। नंबर भी बता दो। खैर राघव भैया, मेरे को ये बताओ कि आज क्या क्या चीजें आप दिखाने वाले हो और कौन सी गाड़ी को जो हम लोग अभी इस वीडियो में जो हमें क्रेटा बेस टू टॉप में एक्सेसरी जो हुंडई की ओरिजिनल लगती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उन पे कितना डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है, और क्या अवेलेबिलिटी है उन सब चीजों की, ठीक है, और उसके अलावा जो आफ्टर मार्केट है और क्या क्या इंस्टॉल हो सकता है बेस टू टॉप के अंदर, ठीक है, और डिस्काउंट जो है भरपूर आपको मिलने वाला। अच्छा, मतलब भारी डिस्काउंट के साथ आ गया। बिल्कुल, ठीक है। तो अब एक एक करके मेरे को आप चीजें दिखा दो कि क्या क्या चीजें जो हैं इसमें अपनी लगने वाली। देखो, ये है क्रेटा का अपना जेनुअन क्रूज कंट्रोल, ठीक है, ठीक है, राइट साइड का। ऐसे ही हमारे पास लेफ्ट साइड का जेनुअन वो भी मिल जाएगा, ये चेक कर सकते हो। और इसमें ना दो ऑप्शन आते हैं, ये अपना सिंपल है और ये पियानो ब्लैक में आ जाता है। यही सीन है ना भैया? हाँ, पियानो ब्लैक भी आता है। पियानो ब्लैक अब 2024 में आने लग गया है। अच्छा, पर फिर भी कस्टमर की डिमांड होती है हमारे को मैट दो, तो मैट भी है और पियानो ब्लैक दोनों ऑप्शन। स्टेयरिंग भी है, क्रूज भी है, ठीक है। ये स्टेयरिंग कंट्रोल है, ठीक है। जैसे ये मैट में ऐसे पियानो में भी मिल जाएगा सेम ऐसा, ठीक है। ये चीज आप सब कुछ आपको बॉक्स पैक मिलने वाला है विद MRP, ठीक है। अपना विदाउट पियानो ब्लैक है उसकी MRP है 2385 स्टेयरिंग की, ठीक है। इस पे आपको मिलने वाला है 45% डिस्काउंट। अच्छा, इसमें 45% ऑफ दे रहे हो? ऐसी जो पियानो ब्लैक है पियानो पे 2899 MRP है, ठीक है। इस पे भी 45 है, इस पे 45%। हाँ, क्रूज की MRP है 2371, ठीक है। सबकी MRP अलग है, सबको हम कस्टमर को MRP दिखा के उस पे 45% लेस करके और उसके बाद उसमें काम करेंगे। अच्छा, सभी पे 45% दे रहे हो? हाँ, सब पे 45% मिलेगा फ्लैट, ठीक है। इसके साथ इनकी कुछ कुछ करोल बाग में दुकानदार है विदाउट वायरिंग भी फिट कर देते हैं। इनकी वायरिंग जो है वायरिंग आपको पड़ेगी, वायरिंग की MRP है 1031, ठीक है। उस पे 45% डिस्काउंट। अच्छा, उस पे भी? हाँ, जैसे अभी सनग्लास होल्डर है 5808 MRP है, इस पे 45% डिस्काउंट करने के बाद आपको मिलेगा। अच्छा, मान के चलो आपको लगभग 2500 के आसपास पड़ता है, 2500 रुपए के आसपास पड़ जाएगा 45%। और ये सारे ना अपने हुंडई के जेन्युइन पार्ट्स है, कॉपी वोपी कुछ नहीं, बिल्कुल जेन्युइन है। आप देख सकते हैं, सकते हो पीछे तक हुंडई किया आइटम के लिए लोगो। इसकी भी ये भी वायरिंग के साथ लगता है, विदाउट वायरिंग भी लगाते हैं करोल बाग में। आप चाहो तो विदाउट वायरिंग भी लगा सकते हो, उसमें आपकी तार पिल ऑफ होगी। विद वायरिंग लगाओगे तो उसकी वायरिंग की MRP है 1431, उस पर भी 45% लेस मिलेगा। अच्छा, मतलब अगर तार करते हो तो छिली जाएगी, चली जाएगी बिना वायरिंग के लगाओगे तो। और जो वायरिंग होगी वो भी हुंडई की जेन्युइन होगी सारी, ठीक है। उसके यार छोटा मोटा चार्ज एक्स्ट्रा पड़ेगा तो करा लो। खैर, यहाँ पे आप देख सकते हो सनग्लास होल्डर है अपना, ये दिख रहा है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे लाइट्स मिल जाती हैं और ये जो आप चेंज भी करवा सकते हो। इनके अंदर जो कंपनी फिटेड आती है वो येलो आती है, ठीक है। अगर आप चाहो आपको व्हाइट LED चाहिए तो वो भी लग जाएगी, वो आप चेंज करा सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके अंदर कुछ भी कोई चार्ज एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, ठीक है। इसके बाद बताओ भैया क्या है? उसके बाद आपका जो साइड मिरर है ऑटोमेटिक, ये भी बॉक्स पैक आपको मिलने वाला है। ये कंपनी से व्हाइट में ही आता है, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी ब्लैक है या अलग कलर है तो आप ऊपर ऊपर का कैप चेंज हो जाता है। इसकी भी जो MRP होगी उस पर 45% लेस, प्लस जो स्विच और वायरिंग होगी उस पर MRP जो होगी उसकी 45%। वही है कि चाबी अगर वो रिले अलग से लगती है इसमें आता है, रिले अलग से लगती है इसमें। अच्छा, और स्विच अलग से लगता है। मान के चलो आपको ये फिटिंग करके पड़ता है 8500 का, 8500 में सब कुछ आपके राइट फ्रंट राइट साइड के मिरर, एक मिरर स्विच हुंडई का ओरिजिनल क्रेटा का, ठीक है। और उसके बाद एक वायरिंग किट पूरी जो पूरी कंट्रोल करेगी, जो चाबी से भी फोल्ड एंड फोल्ड होगा और बटन से भी होगा। 8500 में भाई ये पूरा का पूरा हो जाएगा आपका राइट लेफ्ट। और अगर आप बेस टू टॉप कराते हो बिल्कुल अलग लेवल का काम, जिसमें बेस टू टॉप में सब कुछ होगा, म्यूजिक सिस्टम हो गया, स्टेयरिंग, क्रूज, सीट कवर, मैटिंग, डैम्पिंग, एकदम अल्टीमेट काम होगा, तो उसके अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, ठीक है। उसमें आपको इसके चार्ज नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। साइड मिरर फ्री रहेगा हमारी तरफ से, मिरर खाली मिरर नहीं, इसकी वायरिंग और स्विच सब कुछ फ्री रहेगा, ठीक है। तो भाई 8500 में मैंने बता दिया। और देखो, हम लोग वैसे तो MRP दिखा रहे हैं, बट एक चीज है कि मान लो आप इस वीडियो को भाई साल भर बाद देख रहे हो, जब भी देख रहे हो तो उस टाइम प्राइसेस चेंज भी। हाँ, अगर आपको MRP दिखा के 45% लेस देंगे, अगर MRP बढ़ गई तो उस पर 45%, घट गई तो उस पर 45% लेस, मतलब वो है जो भी MRP होगी, है ना, ठीक है। उसके बाद अगर मिरर चेंज करवाते हैं तो ट्विटर सैश लगते हैं, ये वाले हैं, कोई कोई उसी ट्विटर सैश के अंदर जो गोल छेद होता है उसके अंदर ट्विटर लगा देते हैं जुगाड़ करके। अगर आप चाहो तो बॉस के ओरिजिनल ट्विटर के साथ ट्विटर सैश आता है, ये भी लगवा सकते हो। कितने रुपए का ये? ये भी MRP पे 45%, ये भी 45% ऑफ मिल जाएगा। वो यार वैसे कोई छोटी सी चीज है, बट डिटेल वाला काम है ये कि अगर बेस टू टॉप कराते हो ना तो फिर जुगाड़बाजी क्यों करा। बिल्कुल, फिर वो ट्विटर अजीब सा लगता है, अलग से लगा हुआ, मतलब यही लगता है कि काम करवा रखा है गंदे वाला। बिल्कुल, ये क्या चीज है भैया? ये स्टीरियो है, इस पे भी आते हैं, अभी पहले हुंडई के पार्ट्स कर देता हूं मैं। अच्छा, ये अपना रेट्रोफिट है बाहर का? हां, ठीक है। उसके बाद वो हुंडई के ओरिजिनल, ये अंदर के इनर हैंडल्स हैं, समझ गया। क्रोम टाइप तो नहीं है? सिल्वर, सिल्वर होते हैं, सिल्वर टॉप मॉडल में सिल्वर आते हैं।
बेस मॉडल में ब्लैक आते हैं, ठीक है, अंदर से खोलते हैं हम, ठीक है। इसकी भी जो एमआरपी है उसमें 45% लेस मिलने वाला है, 45% ऑफ इसकी एमआरपी होगी, लगभग 3400 के आसपास होती है विदाउट ऑफ या ऑफ के साथ, एमआरपी बता रहा हूं, चारों पीस की एमआरपी सिंगल सिंगल में अलग अलग होती है, सबको अगर जोड़ेंगे तो 3400 के आसपास होती है, 3400 के आसपास। ऐसी बाहर के हैंडल भी आपको बाहर के फुल क्रोम जो टॉप मॉडल में आते हैं रिप्लेसमेंट वाले वो भी मिल जाएंगे, उसकी एमआरपी भी 45% लेस मिलने वाला है, ठीक है। ये सब हो गया, उसके बाद मेन चीज आती है डीआरएल। अच्छा डीआरएल है, ठीक है, ये फ्रंट डीआरएल है, ठीक है, टॉप मॉडल में जो आती है दोनों ग्रिल के बीच में, ये भी बॉक्स पैक आपको मिलने वाली है और ओरिजिनल हुंडई की मिलने वाली, इसकी आफ्टर मार्केट भी आ गई है, कॉपी आ गई उसकी, कॉपी आ चुकी है, ठीक है। प्राइस में कितना डिफरेंस दोनों में? ऑलमोस्ट मतलब वैसे सबको अलग अलग है, अगर आप आफ्टर मार्केट लगवाते हो हाँ। तो आफ्टर मार्केट जो आपको पड़ेगी 2800 की, और मैं आपको ओरिजिनल ही दे दूंगा आप 3000 रुपए। अच्छा, बराबर कॉस्ट में ही जा रही है, तो लो भाई। वैसे तो ओरिजिनल की महंगी है, पर मैं आपको 3000 में दे दूंगा, 45% ऑफ टॉप कराने पे आए सारे रेट। हाँ, समझ गया, मतलब हाँ, सिंगल पीस पे नहीं दे, सिंगल पीस पे कोई डिस्काउंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, बेस टू टॉप पे सब कुछ, बेस टू टॉप। ये ऐसे प्रॉपर पैकिंग में आती है, ओरिजिनल जो होती है पूरी प्रॉपर पैकिंग में आती है। भाई ये दिख रहा होगा आप लोगों को, और ये मिडल में लगती है अपनी, सेंटर हो रही है, OEM है, OEM है, पूरा बारकोड है, पार्ट नंबर है, ये एक एक चीज है, या हुंडई का लोगो है, लोगो यही चीज दर्शाती है कि भाई ओरिजिनल पार्ट, और कोई वायरिंग वायरिंग नहीं है इसके अलग। मैं आपको जो 3000 कॉस्ट बता रहा हूँ उसके अंदर DRL भी है। कुछ लोग क्या होते हैं सीधा DRL लगा देते हैं, फ्रेम नहीं लगाते, ठीक है, इसका फ्रेम भी, ये फ्रेम भी प्रॉपर हुंडई का ही है, हुंडई की पैकिंग में सील है, बारकोड है, सब है, ठीक है। मतलब ये है कि जुगाड़ वाला काम, जुगाड़ वाला काम नहीं। इसके अलावा एक वायरिंग लगती है अडेप्टर, क्योंकि ये 24 वोल्ट के करंट पे नहीं, 12 वोल्ट के करंट पे नहीं चलती, उड़ जाती है, तो 12 वोल्ट से 6 वोल्ट को करंट को कन्वर्ट करने के लिए एक कन्वर्टर लगता है, ठीक है, वो भी इंक्लूड है आपकी कॉस्टिंग के अंदर 3000 में, ये भी और वो अडेप्टर भी 3000 में आ रही है, 3000 में फिटिंग करके सबके, नो लेबर चार्ज कोई एक्स्ट्रा नहीं है। और MRP लगभग वैसे कितनी होगी इसकी? MRP होगी इसकी होगी 6000, ठीक है, इसकी 500, और जो वो अडेप्टर लगता है उसकी कॉस्ट होती है 800। मतलब 45% ऑफ जो है आपको डायरेक्ट है, लगभग 45% मैं बोलता रहा हूँ, हो सकता है किसी चीज में 48 भी हो, किसी में 42 भी हो, लेकिन इतना 45 बन जाएगा सबको मिला, मैनेज कर देंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ पार्सल ट्रे, हुंडई की जेनुइन मिल जाएगी आपको, उसमें दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, ब्लैक भी ग्रे भी, ठीक है, दोनों ऑप्शन अवेलेबल, गाड़ी के हिसाब से होता है कलर या फिर कस्टमर चॉइस? जो अभी नई 2024 आई है उसमें ग्रे कलर लगता है, जो पहले आती थी उसमें ब्लैक कलर लगता था, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। इस पे भी MRP भी 45% लेस। अच्छा, ये इस पे 2300 में भी आप 45% 45% ऑफ इसमें मिल जाएगा। सारी क्रेटा की जो ओरिजिनल आइटम है ये वो सब हो गई, ठीक है। इसके अलावा शार्क फिन एंटीना ओरिजिनल भी आता है, कॉपी भी आता है, ठीक है, वो भी अवेलेबल है, उन पे भी 45% डिस्काउंट है, कॉपी लगवाओगे कॉपी 400 का है, ठीक है, 400। रूफ रेल जो आती है, रूफ रेल जेनुइन भी आती है और ओरिजिनल भी आती है, अगर जेनुइन लगाओगे जेनुइन में मिल जाएगी, आफ्टर मार्केट लगाओगे आफ्टर मार्केट में मिल जाएगी, ठीक है, दोनों मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अगर म्यूजिक सिस्टम पे आते हैं, अब आ जाते हैं आफ्टर मार्केट में, यही ओरिजिनल है, ये आफ्टर मार्केट है, तो इस पे ऑफ है या नहीं है? इस पे ये सब इन पे MRPs नहीं होती, पर आपको जो रेट है वो एकदम बेस्ट दूंगा मैं। मतलब समझ गया मैं कि इन पे MRPs नहीं होती, तो किसी शॉप पे आपको ज्यादा का मिल सकता है, कम का मिल सकता है? सब अलग अलग ब्रांड बेचते हैं, बट मैं आपको जो दूंगा अच्छे ब्रांड सजेस्ट करूंगा और रेट भी अच्छा, ठीक है। ये 12.33 इंच का है एडिशन ब्रांड के अंदर, ठीक है, प्रॉपर फिटमेंट में एकदम, कहीं से बाहर नहीं निकलेगा, कहीं से कुछ नहीं होगा। हुँ. ये आपको अगर 4GB में लगवाओगे, वैसे 4GB ही चलता है, 2GB लैग करता है, 4GB में लगाओगे तो फिटिंग विटिंग करके आपको इसकी कॉस्ट है वो पड़ेगी 13500। एप्पल कार्प्ले वायरलेस सबको 360 सपोर्टेबल है, ठीक है, आप 360 कैमरा भी लगवा सकते हो, ठीक है। 4GB रैम, 32GB और 64GB मेमोरी दोनों अवेलेबल है, उसके अलावा 360 सपोर्टेबल है, एप्पल कार्प्ले वायरलेस है, एंड्रॉइड ऑटो वायरलेस है। इसके अलावा जो आपको इसकी वारंटी मिलने वाली है 2 साल मिलने वाली है, ठीक है। एक साल तक अगर प्रोडक्ट में कोई कमी आएगी तो प्रोडक्ट आपको चेंज होकर नया मिलेगा, ठीक है, चाहे वो 9 महीने बाद आ जाए चाहे 10 महीने बाद आ जाए, ठीक है। एक साल के बाद जो आगे वाला एक साल रहेगा उसमें आपको सर्विस फ्री रहेगी, कोई दिक्कत आती है हम हैंड टू हैंड आपको ठीक करके देंगे, आपसे कोई टाइम नहीं लिया जाएगा कि आज आप छोड़ जाओ, कल आना, परसों आना या तरसों आना, ठीक। जो टाइम लगेगा 1-2 घंटा वो लेंगे आप, और जब आपका जब एक साल का पीरियड चल रहा होगा उसमें तो आपको आप पुराना यहाँ टेबल पे रखो, नया लगवा लो, बिल्कुल। अच्छा, वैसे ओरिजिनल भी आता है हुंडई का? ओरिजिनल आपको जो मिलेगा हुंडई का वो EX मॉडल वाला मिलेगा, जो नोव होती है वो भी ऑर्डर पे, समझ गया। ESX मॉडल में प्लेन आता है पूरा, EX के अंदर 2 नोव आती है, बटन आते हैं, वो डिफरेंस कुछ है नहीं लुक्स में, है ना, सेम सही लगता है, सेम सेम एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप ये देख सकते हो 13500 में फिटिंग विटिंग करके, 360 नहीं है इसमें, जिसमें सब कुछ है, इसकी वायरिंग वायरिंग सब इंक्लूड है, फ्रेम वायरिंग हो गया, कपलर हो गया, सब इंक्लूड, और 360 भी इंक्लूड अलग से है, 360 कैमरे अलग अलग है, 360 कैमरे की स्टार्टिंग 3000 है और लास्ट जो जाता है 9000 तक जाता है।
अच्छा क्वालिटी पे उसमें वो अलग अलग क्वालिटी है उसके अंदर, वारंटी वाले भी है विदाउट वारंटी भी है, 720 पिक्सल है, 1080 पिक्सल है, 4K है, सारे हैं। जो से आप बोलो 13,500 का, इसमें 360 ऐड कराते हो तो वो 16,500 का होता है। हाँ, अगर 3,000 वाला करवाते हो बेसिक वाला करवा। उसके बाद आजकल ये डायमंड चल रहा है, बहुत चल रहा है, डायमंड मिल जाएगा आपको। इसके अंदर सारे वेरियंट है, 2GB, 4GB, 6GB, डबल नॉब, एक सेंटर नॉब भी आ गया है, वो भी अवेलेबल है। ठीक है, आपको इसकी स्टार्टिंग प्राइस मेरे पास मिल जाएगी आपको 6,000 से। उसके बाद आपको स्पीकर के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, JBL, इन्फिनिटी, ब्लॉपंग, हर्ट्ज, फोकल, मॉरल। उसके बाद आप अगर ऊंची ब्रांड में जाना चाहते हो सोनी ये सीरीज रेफरेंस, वो भी सब मिल जाएगा यहाँ पे। बाकी ये चीज है भैया कि मतलब आपके रिकमेंड करते हो आफ्टर मार्केट करते हो या ओरिजिनल पार्ट्स करते हो? जो ओरिजिनल पार्ट्स आते हैं हुंडई ने बनाए वो सारे ओरिजिनल लगाओ, जो बनाए नहीं है तो वो तो आपका आफ्टर मार्केट। अब स्पीकर्स हो गए, बॉस भी अवेलेबल है, अगर चाहो तो बॉस भी लगवा सकते हो। बॉस लगवाओगे तो उसके बढ़िया आउटपुट के लिए आपको एम्प भी डालना पड़ेगा। ठीक है, विदाउट एम्प उसकी आउटपुट अच्छी आएगी लेकिन इतनी अच्छी नहीं आएगी। बिल्कुल, तो इससे अच्छा आप सोनी ये सीरीज डालो जब इतना पैसे खर्च कर रहे हो। ठीक है, नहीं तो अगर बेसिक उसमें जाओगे तो इन्फिनिटी रेफरेंस डाल लो, प्राइमस डाल लो, मॉरल डाल लो, इनकी आउटपुट बहुत अच्छी है। इन सब पे आपको जितने भी प्रोडक्ट हैं JBL के, मतलब जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, ये तो आफ्टर मार्केट हो गए विदाउट MRP, उनके MRP पे किसी पे 30% लेस है, किसी पे 40, किसी पे 50, किसी पे 60 भी है। अच्छा, ठीक है, हर किसी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करेगा लेकिन लेस सब पे है, हर आइटम पे है, सब पे लेस सब पे मिलेगा। सो गाइस ये चीज याद रखिएगा कि हमने जितने भी प्राइसेस बताए ना 45% ऑफ, इसके पीछे एक ही सिंगल कंडीशन है कि बेस टू टॉप, बेस टू टॉप में मिलेगा। आप खाली मेरे पास आओगे मेरे को स्टेयरिंग कंट्रोल लगा दो तो आपको 45% डिस्काउंट नहीं मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा 45 नहीं मिलेगा, हल्का फुल्का मिल जाएगा। हाँ, इसके बाद सीट कवर्स दिखा देते हैं हम लोग। सीट कवर ये ऑन ऑर्डर हम रेडी कर देते हैं, जो सा डिजाइन आप हमें दिखाएंगे। ठीक है, ये टॉप मॉडल वाला डिजाइन है जो इसके टॉप मॉडल वेरिएंट में आता है, ये साका पीयू के अंदर सोफा लैमिनेशन है। अच्छा, ठीक है, देख सकते हो परफोरेटेड है, यहां पे आपको दिख भी रहा होगा, ये रहा परफोरेशन के साथ है। एयरबैग, एयरबैग फ्रेंडली है एकदम। अच्छा, ठीक है, एयरबैग खुलेंगे अगर गाड़ी, और इसकी लाइफ टाइम वारंटी है। गाड़ी आप 5 साल चलाओ, 10 साल चलाओ, सीट कवर खराब हुआ तो आपको नया मिलेगा। ये होता है एयरबैग भी, ये भी डिजाइन एक रेडी है, डिजाइन बहुत सारे रेडी है, ये टॉप मॉडल वाला डिजाइन है। अच्छा, डिजाइन आप जोन साहब चाहे पसंद कर लो, हमारे पास जो रेडी है वो, नहीं तो आप कोई भी पिक्चर नेट से निकाल के दे दो, हम 2 घंटे में बना के दे दें, वो वाला मिल जाएगा। जो हमारे पास जो उसके प्राइस वेरिएंट रहेगा, हमारे पास 5,000 से स्टार्ट है और 9,500 तक अवेलेबल है। तो यहाँ चेक कर सकते हो भाई आप लोग, 5,000 से लेके 9,500 तक अवेलेबल है। वारंटी सबकी अलग अलग है, 5,000 से लेके 6,000 वाले तक जो वेरिएंट होगा उनकी 5 साल रहेगी वारंटी, सबकी है 5 साल रहेगी, 6,000 से लेके 9,500 तक जितने सबकी लाइफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे श्रीराम भी एक और दिखा रहे हैं, यहाँ देख सकते हो ये सेम टॉप मॉडल वाला है, टॉप मॉडल खाली रेड वाली पाइपिंग है, जीटी लाइन की तरह टॉप मॉडल जो आता है, टॉप मॉडल के अंदर ये है, एन लाइन के अंदर ये है। ठीक, पाइपिंग का फर्क है, रेड और ये डिफरेंस मिल जाता है आप लोगों को। बाकी अलग अलग है सारे, कोई सारे वो देखो सब अवेलेबल है, जो सा डिजाइन आपको पसंद आए, नहीं तो आप हमें कोई भी नेट से पिक्चर निकाल के देते हैं, 2 घंटे में बना दें, व्हाट्सएप पे पहले भेज दें, पहले भेज दें, हम आपके आने से पहले रेडी कर देंगे, रेडी हो जाएगा ये चीज हो जाएगी। बाकी ये चेकआउट कर सकते हो, जब ये ना हमने आपको क्रेटा के बारे में बताया, सेल्टोस वगैरह सबके भी तैयार हो जाते हैं। हां, गाड़ी कोई भी हो सब रेडी है। अभी हम इस वीडियो के अंदर पर्टिकुलर क्रेटा वो कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, उसके अलावा भी जोन से भी गाड़ी आप लेकर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे देख सकते हैं बोलेरो नियो खड़ी है, ये बेस टू टॉप हो रही है, बिल्कुल यहां से ये बेस मॉडल लेकर आया था मेरे पास। इसके अंदर हम सब कुछ लगाने वाले हैं, डायमंड वाला स्टीरियो लगाने वाले हैं, 360 कैमरा, फुटरेस्ट, स्पॉइलर, रूफ रेल, LED, फॉग लैंप, लैमिनेशन, सीट कवर, स्टीयरिंग रैप, स्पीकर्स, कंपोनेंट, डैम्पिंग, इसमें सब कुछ होने वाला है बेस्ट टॉप। तो गाड़ी, हर गाड़ी हम आपको आने वाले टाइम में दिखाया करेंगे इसी चैनल पे और इसी बाइक के थ्रू। ठीक, तो गाइस आज की वीडियो में आपको बताया कि क्रेटा में कैसे कैसे आपको जो है 45% तक ऑफ मिल रहा है अगर बेस्ट टॉप बनवाते हैं। इधर आगे एक चीज और बताओ कि बेसिक सा कोई, मान लो मैं एक बजट लेके आता हूँ, मेरे पे पॉकेट में इतना बड़ा नहीं है बट मेरे को हल्के फुल्के बजट में चाहिए, और कितना मान के आऊं मैं कि भाई इतने में हो जाएगा? अगर आप अलॉय नहीं करवाते ना और 60,000 तक खर्च करते हैं तो आपकी गाड़ी बहुत बढ़िया हो जाएगी। अलॉय लगवाएंगे तो थोड़ा और लगभग 1,00,000 तक का बजट बन जाता है। अगर पूरी बेस टू टॉप करवाएंगे तो आप मान के चलो
चलो 1.5 से 2 लाख में अच्छा काम, बहुत बेहतरीन काम हो सके, जिसमें मतलब कुछ कवर हो जाए। मेरे पास मतलब पैसे की कमी नहीं है, पर मेरे को चाहिए कि मैं बेस मॉडल लेके आ रहा हूँ शोरूम से और मैं आपको दे रहा हूँ, तो सब कुछ लगाने के बाद कितने तक में? अंडर 2 लाख, 2 लाख के अंदर अंदर हो जाए, मतलब जो टॉप में आता है सब कुछ, उसके अलावा एडिशनल जो टॉप में नहीं आता वो सब चीजें, वो सारी चीजें जैसे एम्बिएंट लाइट होगी और कई सारी चीज होगी। उसके बाद आप अलॉयज रह गए, अलॉयज की बात पे आएंगे तो अलॉयज यहाँ पे रखे नहीं मैंने, वो नीचे पड़े हैं। अलॉयज पे आएंगे तो अलॉयज आपको फिटिंग विटिंग करके आपके टायर वापसी लेके, कंडीशन है टायर की आपकी कितने चले, कितने किलोमीटर चले, वैल्यू करती है। नहीं तो जो फ्रेश गाड़ियां होती हैं उनके टायर 16 इंची वापसी लेके 17 इंची फिट करके अलॉय वलॉय सब कुछ लगा के आपको जिसकी कॉस्टिंग आएगी वो आएगी 33,500। उसमें कैब वैब सबके सब इंक्लूड हो गया आपका, फिटिंग कैब जो भी सब कुछ लगता है सब कुछ। तो भाई इसमें स्क्रीन पे आपको एड्रेस वगैरह डाल दूंगा भैया का सारा। ये हमने सिर्फ आपको क्रेटा की दिखाई थी, बाकी और आपके पास कोई भी गाड़ी हो उसको आप, कोई सी भी गाड़ी हो हम आने वाले टाइम में आपको बताया दिखाऊंगा। उसके अलावा हेडलैम्प की LEDs की वैरायटी अलग अलग अवेलेबल है, 240 वोल्ट है, 200 वोल्ट है, 150 वोल्ट है, 180 वोल्ट है, 250 वोल्ट है, 340 वोल्ट है। LEDs भी हेडलैम्प के लिए सारी अवेलेबल है, ये 340 है, ये 240 है, वो 200 है, ये 180 है, तो भी चेकआउट कर सकते हो। मतलब ये है कि आप कोई भी बजट लेके आओ, सारी हैं, छोटे से छोटे बजट 90 वाट से लेके 340 वाट तक की एलईडी अवेलेबल है। ठीक है, ये 150 वाट है, चेकआउट कर सकते हो। मतलब वो है कि आपके बजट के ऊपर, सब कुछ अवेलेबल है जो आपको, जितने आपके चॉइस हो, जितने वाट आप चाहते हो, जितनी बेहतरीन रोशनी चाहते हो, सब सारी की सारी सब आपको दिखा देंगे। बेशक आप चाहते हो कि मुझे सारी चेक कराओ, जो अच्छी लगेगी वो लगाऊंगा, तो हम सारी भी करवा देंगे तसल्ली के साथ, बिल्कुल। और दो हमारे जितने भी प्रोडक्ट रहेंगे, सीट कवर की तो मैंने आपको बताई थी, लाइफ टाइम वारंटी रह करेगी, चाहे कट जाए चाहे फट जाए, ब्लेड कटिंग नहीं होनी चाहिए, धागा उधड़ जाए या पपड़ी आने लग जाए कुछ भी हो जाए, तो हम आपको उसी वक्त नया पीस लगा के दे देंगे, जितना टाइम लगेगा लगाने उतारने में या रेडी नहीं होगा तो बनने में। उसके अलावा जितने भी हुंडई प्रोडक्ट्स रहेंगे इनकी 5 साल की रहेगी, जो हुंडई की जितनी भी वायरिंग रहेगी उनकी भी 5 साल की रहेगी, जो साइड मिरर की वायरिंग उसकी 1 साल की होती है। ठीक है, उसके अलावा जितने भी कोई सी भी कंपनी ब्रांड के LED लगवाओगे आप, चाहे सस्ती चाहे महंगी, ऐसा नहीं है कि अगर आप 1500 वाली लगवाओगे तो उसकी 1 साल की वारंटी है, 6000 वाली की 2 साल, दोनों की 2 साल रहेगी, 2 साल ही दे रहे हो, दोनों की 2 साल रहेगी। ठीक है, जितने भी स्पीकर आएंगे ब्रांड देता है, 1 साल है तो 1 साल आएगी। ठीक है, अगर हाईर ब्रांड में जाओगे सोनी है इसमें, तो उसकी 2 साल आएगी। ठीक है, चीजों की मैंने आपको बताई थी 2 साल, जो फ्लोरिंग वगैरह वो सब बाकी सब कराते हो उन सबकी 2 साल, जितनी भी पेस्टिंग आइटम होंगी, जैसे कुछ होते हैं पार्ट पूरा चेंज करवाते हैं, बार का हैंडल चेंज, कुछ उसी पे क्रोम चिपका लेते हैं, अगर जितने भी हमारा क्रोम आइटम रहेगा सबकी 3 साल की रहेगी, जितनी भी पेस्टिंग आइटम होगी उसमें रूफ रेल भी इंक्लूड होगी, रूफ रेल अगर आफ्टर मार्केट लगवाते हो तो उसकी भी 3 साल की रहेगी, उसका कलर उड़ने की, उखड़ जाने की या कुछ भी कुछ। ठीक ठीक, तो ये सारा आपके इस वीडियो में ये कवर करना था। ठीक, तो स्क्रीन वगैरह एड्रेस मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर के साथ एड्रेस मिल जाएगा, आप लोग पूछ के कॉल कर सकते हो और भैया फोन उठा के आपको सारी की सारी डिटेल्स है वो बता दो।